हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल सरल सी मिठाई जो दीपावली में भी चार चांद लगा दे। तो ये देखिए, ये मिठाई है, इसका नाम है चंद्रकला। वो नाम से और इनके आकार से भी पता लग रहा होगा कि ये चंद्रकला चांद जैसी है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और 1/2 टीस्पून मीठा पाउडर डालेंगे और 1 चुटकी नमक डाल देंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और एक इसका सॉफ्ट डो लगा के रख लेंगे। बहुत टाइट नहीं करना है यहाँ पे हमें, जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं तो बस वैसे ही लगाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत टाइट भी नहीं है और बहुत मुलायम भी नहीं है, मीडियम में है। और अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए, जैसे ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ हम अब काट लेंगे थोड़े से मेवे अपनी फिलिंग के लिए जो हम इसमें भरेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश ये सारी चीज़ें ली हैं और इनको थोड़ा बारीक बारीक सा काट लेंगे। और अब यहाँ डालेंगे हम 1 चम्मच घी और उसमें ये डाल देंगे हम सबसे पहले काजू और बादाम। इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जिनसे इनका कच्चापन चला जाए और जिससे ये मिठाई अगर हम थोड़े दिन रखें तो वो ख़राब ना हो। और अब डाल देंगे डेसिकेटेड नारियल कम से कम 2 टेबल स्पून और यहाँ हम डाल देंगे खोया। तो ये अनसोटी खोया है, उसको हमने घर पे ही बनाया था, घर का बना हुआ है और ये करीब 200 ग्राम की लमसम होगा, हमने वेट नहीं किया है इसका। और सबके साथ इसको भी, मावे को भी हम भून लेंगे और यहाँ अब रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए, जैसे ये बढ़िया सा ठंडा हो जाए। और यहाँ हम बनाएंगे चाशनी, उसके लिए हमने 1.5 कप चीनी ली है और 1/3 ले लेंगे यहाँ पे पानी और इसको गला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमने कूट के 2 इलायची डाल दी है जिससे इनकी खुशबू अच्छी सी आने लगे, इलायची का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी बढ़ने लगता है। तो अब हमारे ठंडे हो गए हैं ये, जो हमने फिलिंग बनाई थी मावा की, और इसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल देंगे और इनको हम कर लेंगे मिक्स। तो चीनी यहाँ पे हम थोड़ा कम ही डाल रहे हैं क्योंकि हमें अभी सीढ़े में चंद्रकला डालना है तो वो थोड़ी सी उधर भी मीठी हो जाएगी और इधर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इस वजह से थोड़ा कम ही डाल देंगे यहाँ पे चीनी। और अब यहाँ पे हमारा आटा हो गया है सेट, तो अब हम छोटी छोटी इसकी लोइयाँ काट लेंगे। और ये देखिए, 2-2 के पेयर में हमें इन्हें बनाने हैं। दोनों हम छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे, बहुत बड़ी नहीं करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी रोटी 2 बन गई है। और अब हम यहाँ पे रख देंगे अपनी फीलिंग जो हम यहाँ पे हमने जो बना के रखी है। तो बहुत कम भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, इतना रखिए कि फटे ना। तो ये देखिए, इस हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे और इनको हम दोनों को चिपका लेंगे और किनारे से अच्छे से दबा दीजिए जिससे ये खुले, क्योंकि अगर हल्के हाथ से ये दबाएंगे तो ये खुल जाएंगे बाद में, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे इसे हमें बनाना है। तो अगर थोड़े से भी ये लूज हुए तो धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे, इस वजह से हमें थोड़ा दाब के चिपकाना है। और ये देखिए, इस हिसाब से हमें इन्हें बना लेना है किनारे से। तो ऐसे हम सारे चंद्रकला बना लेंगे और अब यहाँ पे हम इन्हें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ हमें एकदम मीडियम लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है जिससे ये अंदर तक बढ़िया से पक जाए। और ये ऐसे पकेंगे जैसे थोड़े बाहर से क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से जूसी रहेंगे। यहाँ पे हमारी जो चाशनी हमने रखी थी वो भी बन गई है, लमसम लमसम एकदम हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और ये
बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं रखनी है, इस हिसाब से रखनी है। यहाँ पे तार नहीं बनाना है, बस तार से थोड़ा सा पहले ही हमें इसे उतार लेना है, जिससे काफ़ी टाइट ना हो। अगर टाइट हो जाएगी तो ये चनकला जो है उसके अंदर ये नहीं जा पाएगी, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी पतली ही रखनी है, जिससे हमें तार नहीं बनाना है, एक भी तार की चासनी नहीं बनानी है। और ऐसे इसको हम धीरे धीरे करके निकालेंगे। ये निकालते टाइम हमारी वीडियो थोड़ी सी हमें लग रहा नहीं बनी थी, तो आप देख सकते हैं ऐसे हमें उलट पलट के कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको सीढ़ी में रख लेना है। ये बन गई हमारी चनकला, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर से कड़क और अंदर से काफ़ी जूसी, अंदर जूस भरा हुआ है। तो आप हमें कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।